हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दक्ष प्रथम मीनिया में। आज हम बात करने वाले साउथ के बहुत ही बड़े सुपरस्टार महेश बाबू के बारे में, महेश बाबू की आने वाली कुछ पिक्चरों के बारे में जिनकी पिछली पिक्चर हिट मूवी थी, जो थी सरकारू वाली पता। उसमें इन्होंने बहुत ही अच्छी एक्टिंग की थी और वह मूवी में हमें इनके साथ दिखाई दी थी कीर्ति सुरेश। जी हाँ दोस्तों, सेम इफ यू मिस द इंटरेस्ट यू विल गेट योर डेट। महेश बाबू एक बहुत ही बढ़िया एक्टर है, तो आप हमें इनके लिए लाइक शेयर के साथ सब्सक्राइब कर दीजिए और आपको ये कैसे लगता है हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए देखते हैं नंबर वन पर कौन सी मूवी है। जी हाँ दोस्तों, नंबर वन पर है SSMB 28 मूवी को डायरेक्ट करने वाले त्रिविक्रम श्रीनिवास, जो मूवी आएगी 2023 तक। इस मूवी में हमें महेश बाबू के साथ बहुत ही अच्छी अच्छी एक्ट्रेस दिखाने वाली है, जो होने वाली है पूजा हेगड़े और संयुक्ता मेनन। यह मूवी 2023 तक आ ही जाएगी, जो अप्रैल में आना इसकी रिलीज डेट पक्की हो चुकी है। तो चलिए देखते हैं नंबर टू पर कौन सी मूवी है। जी हाँ दोस्तों, नंबर टू पर है SSMB 29 एक ड्रीम प्रोजेक्ट होने वाला है SS राजामौली का, जो एक बहुत ही अच्छी मूवी हो सकती है। उस मूवी में हमें महेश बाबू दिखाई देना फाइनल हो चुका है। यह मूवी आएगी 2023 से 24 तक, जिस मूवी को अभी से ही बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। तो चलिए देखते हैं नंबर थ्री पर कौन सी मूवी है। नंबर थ्री पर है प्रोजेक्ट के मूवी। तो दोस्तों आपने सुनी होगी, जो मूवी एक बहुत ही अच्छी मूवी होने वाली है, क्योंकि इस मूवी में हमें बाहुबली स्टार प्रभास और अमिताभ बच्चन इनके साथ हमें दिखाई देंगे, और भी बहुत ही बड़े बड़े सुपरस्टार जिनकी हम बात करेंगे। इस मूवी का बजट तो बहुत ही अच्छा है, जो बहुत ही ज़्यादा है, 550 से 600 करोड़। जिस मूवी में ऐसे सुपरस्टार रहेंगे वो तो होना ही है। और इस मूवी में हमें सूर्या, महेश बाबू, विजय और दिलकर सलमान दिखाई देने वाले। थलापति विजय भी इसमें हमें एक बड़ा रोल देते हुए दिखेंगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट मूवी। देखने से पहले आप हमें लाइक शेयर के साथ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अगली मूवी बहुत ही बड़ी होने वाली है, जो है महाभारत। महाभारत मूवी में महेश बाबू दिखाई देंगे कि नहीं वो पक्का नहीं है, पर यह मूवी की कास्ट जो तय हो चुकी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इस मूवी के कास्ट आप मेरे ख्याल से आपने कभी नहीं सुनी होगी, और ये हाईएस्ट बजट मूवी होने वाली है आज तक की इंडिया की, जो आने वाली है 2023 से 2024 तक। इस मूवी के कास्ट सुन ही लीजिए जो होने वाली है। ऋतिक रोशन कर्ण का रोल निभाएंगे, आमिर खान कृष्णा बनेंगे, भीम का रोल निभाएंगे हमारे प्रभास, और मूवी में दिखाई देने वाले जी हाँ दोस्तों कमल हसन, अमिताभ बच्चन, रजनीकांत, ऐश्वर्या रॉय बच्चन, और दिखाई देंगे हमें इस मूवी में दीपिका पादुकोण, जो द्रौपदी का रोल निभाएंगी। और भी बड़े बड़े एक्टर हैं, आप चौंकिएगा मत, रणवीर सिंह, अजय देवगन निभाएंगे दुर्योधन का रोल, और भी बड़े बड़े सुपरस्टार दिखाई देने वाले, फरहान अख्तर अर्जुन का रोल निभाएंगे। तो जी हाँ दोस्तों, यह मूवी का बजट 1000 से 1200 करोड़ तो होना ही था। जिस मूवी को प्रोड्यूस करेंगे आमिर खान ही, यानी कि यह मूवी आमिर खान रिलायंस के बैनर तले बनाई जा रही है। इस मूवी में हमें बहुत ही बढ़िया बढ़िया एक्टर दिखाई देंगे। यह मूवी को डायरेक्ट करने वाले SS राजामौली, जिन्होंने बाहुबली और RRR जैसी बड़ी बड़ी पिक्चरों को भी डायरेक्ट किया है। तो चलिए दोस्तों, आप हमें लाइक शेयर के साथ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि महेश बाबू के साथ आगे भी कई एक्टर्स की हम वीडियो बनाने वाले हैं, जैसे कि अल्लू अर्जुन, थलापति विजय, ऋतिक रोशन, प्रभास और भी कई एक्टर। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, आप हमें लाइक शेयर के साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें।